तो गाइस विंडो 11 लॉन्च हुए काफी समय हो चुका है और हम में से कई यूजर्स ने तो विंडो 11 में स्विच कर लिया है, लेकिन कई विंडो 10 यूजर ऐसे भी हैं जो अभी तक मन बेसिकली नहीं बना पाए हैं कि हमें विंडो 11 में स्विच होना है कि नहीं होना है। उनके मन में कई सारे ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब शायद मे बी इस वीडियो के अंदर उन्हें मिल जाए, और अगर वो मन बना रहे हैं विंडो 11 में स्विच होने का तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि बेसिकली आपको क्यों स्विच होना चाहिए विंडोज 11 के अंदर, और विंडोज 11 के अंदर आपको क्या ऐसा डिफरेंट देखने को मिल जाएगा जो आपको विंडोज 10 के अंदर बेसिकली देखने को नहीं मिलता है, और विंडोज 11 क्यों बेटर है विंडोज 10 से। तो गाइस सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं विंडोज गेमिंग टेक से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस विंडोज 11 में हमें क्यों स्विच करना चाहिए और क्यों हमारे लिए अच्छा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको विंडोज 10 के फीचर्स नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग विंडोज 10 यूज करते हैं, उन्हें पता है कि विंडोज 10 के अंदर बेसिकली उनको क्या देखने को मिलता है, और जो लोग अभी तक विंडोज 10 पे विंडोज 11 पे स्विच करने की सोच रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि विंडोज 11 में आपको क्या यूनिक देखने को मिलता है बेसिकली, जो आपको विंडोज 10 के अंदर देखने को नहीं मिलता है। मैंने कुछ पॉइंट नोट करके रखे हैं बेसिकली, मैं उन्हें पढ़ पढ़ के आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जो गाइस सबसे पहली चीज हमें देखने को मिलती है विंडोज 11 के अंदर, कंप्लीटली न्यू लुक देखने को मिलता है, न्यू डिजाइन देखने को मिलती है, सब कुछ नया देखने को मिलता है, और इसका जो टास्क बार है वो आपको सेंटर टास्क बार देखने को मिलता है, स्टार्ट मेनू भी आपको सेंटर्ड में देखने को मिलता है, और उसका डिजाइन कंप्लीटली चेंज कर दिया गया जो देखने में काफी अच्छा है। आप इसे काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, जो काफी अच्छी चीज है विंडोज 11 के अंदर। और इसके अलावा गाइस हमें विंडोज 11 के अंदर ज्यादातर एप्स के अंदर, या आप कह दो नोटिफिकेशन पैनल में जाओ या किसी भी सेटिंग में जाओ, तो उसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंस इफेक्ट काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, जो कि हमें विंडोज 10 के अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा गाइस हमें विंडोज 11 के अंदर न्यू कॉन्टेक्स्ट मेनू देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप राइट क्लिक करते हो कॉन्टेक्स्ट मेनू आ जाता है, वही हमें विंडोज 11 के अंदर न्यू तरीके से देखने को मिलता है। विंडोज 10 के अंदर हमें वही ओल्ड स्टाइल में देखने को मिलता है, लेकिन ओल्ड स्टाइल सबको ज्यादा पसंद है, और जो नई स्टाइल है वो काफी अच्छी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, वो आप सबको भी धीरे धीरे पसंद आने लगेगी। इसके अलावा गाइस हमें विंडोज 11 के अंदर ऐप में काफी ज्यादा चेंजेस और रीडिजाइन देखने को मिल जाता है, जो कि हमें विंडोज 10 के अंदर अभी तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर विंडोज 11 में हमें ऐप देखने को मिल रही है, वही विंडोज 10 के अंदर भी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जो पहले हमें देखने को मिलेंगी वो विंडोज 11 के अंदर देखने को मिलेंगी, कंप्लीटली रीडिजाइन है, वो डार्क मोड और लाइट मोड भी सपोर्ट करती हैं और काफी अच्छी देखने को मिलती हैं, उनमें काफी नए नए फीचर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा गाइस इसके अंदर जो विजेट वाला सिस्टम है उसको काफी ज्यादा सॉर्ट कर दिया गया, विजेट के लिए अलग टैब दे दिया गया, सिंपली जब आप उस पर क्लिक करते हो तो नया विजेट खुल जाता है, उस पर सारे विजेट आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमें विंडोज 10 में देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप टच स्क्रीन यूजर हो तो इसके विंडोज 11 में टच स्क्रीन को काफी ज्यादा इन्हेंस किया गया है, उसके अलावा विंडोज 11 मल्टीटास्किंग काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है, क्योंकि इसके अंदर आपको बेटर वर्चुअल डेस्कटॉप देखने को मिल जाता है, प्लस आपको स्नैप ग्रुप देखने को मिलता है, जो काफी एक अच्छा इनका फीचर है। इसके जरिए आप काफी अच्छे तरीके से मल्टीटास्किंग कर सकते हो अगर आप वर्चुअल डेस्कटॉप और स्नैप ग्रुप को एक साथ यूज करते हो। इसके अलावा गाइस इसके अंदर इमोजी काफी ज्यादा इन्हेंस किया गया है, नई नई इमोजीज डाली गई जो कि हमें विंडोज 10 के अंदर देखने को नहीं मिलती हैं। इसके अलावा गाइस क्लिपबोर्ड जो है उसको काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया, जो कि विंडोज 10 में नॉर्मल का देखने को मिलता है, विंडोज 11 में काफी ज्यादा उसे इंप्रूव किया गया। उसके अलावा अगर कोई बंदा ऐसा या यूजर है जो हाथ पैरों से विंडोज को नहीं यूज कर सकता, तो वॉइस के थ्रू भी पूरा विंडोज 11 को ऑपरेट कर सकता है, जो काफी अच्छा कूल फीचर है, अभी देव में है, स्टेबल में बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर कोई वॉइस के थ्रू अपने विंडोज को यूज करना चाहता है तो उसे भी वो यूज कर सकता है। इसके अलावा गाइस के अंदर गेमिंग एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा इन्हेंस किया गया, और इसके अलावा लाइनेक्स को काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया, टर्मिनल को काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो काफी ज्यादा चेंज की गई है, राउंड कॉर्नर डिजाइन देखने को मिल जाती है, और काफी ज्यादा मतलब यानी कि आप ओवरऑल कह सकते हो लुक को काफी ज्यादा न्यू तरीके से किया गया, रिफ्रेश किया गया, चेंज किया गया है। और इसके अलावा जो मेन चीज है जो हमें विंडोज 10 के अंदर देखने को नहीं मिलती है, और विंडोज 11 में ज्यादातर यूजर इसी वजह से स्विच हुए हैं, वो है WSA, यानी विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड, जिसके जरिए आप एंड्रॉयड की ऐप को डायरेक्ट विंडोज 11 में यूज कर सकते हो बिना किसी एमुलेटर के। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर है विंडोज 11 का, जिसकी वजह से ज्यादातर यूजर विंडोज 11 में शिफ्ट हुए। तो गाइस ये थे विंडोज 11 के फीचर जो हमें बेसिकली विंडोज 10 के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, और ये काफी ज्यादा अच्छे हैं,
और आपको नए नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको ये सब फीचर पसंद है, आप नया लुक चाहते हो, कम्प्लीटली रीडिजाइन चाहते हो, एंड्रॉयड की ऐप विंडो 11 में चलाना चाहते हो बिना एमुलेटर के, तो आप विंडो 11 में स्विच कर सकते हो विंडोज 10 से, क्योंकि विंडोज 11 काफ़ी ज़्यादा बेटर है विंडोज 10 से, आप इजीली स्विच कर सकते हो। लेकिन गाइस, स्विच करने से पहले इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट भी हैं विंडोज 11 के लिए, जिसको पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विंडोज 11 में मिनिमम 4 GB आपके PC या लैपटॉप में तो होनी चाहिए। अगर 4 GB से कम है तो आप विंडोज 11 नहीं यूज़ कर सकते हो, अगर यूज़ करते भी हो तो आपके लिए ही प्रॉब्लम आने वाली है। इसके अलावा कुछ प्रोसेसर की लिमिट है, उसको भी मीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा UEFI होना चाहिए, आपके में TPM 2.0 होना चाहिए, सिक्योर बूट ऑन होना चाहिए, और इसके अलावा 64 GB का तो स्टोरेज मिनिमम होना ही चाहिए, जिसके बाद ही आप विंडोज 11 को अपने हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। अगर विंडोज 10 में आप इनका जो हेल्थ चेकअप होता है उसको इंस्टॉल कर लो, उससे पता चल जाएगा कि आप रिक्वायरमेंट मीट करते हो कि नहीं करते हो, और वो आपको बता देगा। उसके बाद आप विंडोज 11 आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन इसके बाद भी कई सारे ऐसे मेथड है जिनके में रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती, वो बाईपास करके ईजिली विंडोज 11 को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गाइज, मैं आपको सजेस्ट करूंगा उस मेथड के जरिए आप विंडोज 11 को मत ही यूज़ करिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप विंडोज 11 के ज़्यादातर फीचर्स यूज़ ही नहीं कर पाओगे, आप WSA को यूज़ ही नहीं कर पाओगे। उसके अलावा ऐसे भी कई सारे फीचर्स हैं जिनको आप यूज़ नहीं कर पाओगे अगर आपने बाईपास करके विंडोज 11 को इंस्टॉल किया है। इसके अलावा गाइज, विंडोज 11 के अंदर अभी भी आपको थोड़े बहुत बग्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। जो हाई एंड PC लिए, हाई एंड लैपटॉप लिए, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लो एंड यूज़र हैं, जो बाईपास करके आए हैं, या जिनके PC में सिर्फ 4 GB रैम है, 6 GB रैम है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इनके ज़्यादातर जो बग्स हैं वो हाई रैम यूसेज वाले हैं, CPU यूसेज वाले हैं, SSD वाले हैं, HDD वाले हैं, या ऐप चल नहीं रही, अच्छे से वर्क नहीं कर रही। हाई एंड यूज़र होगा उसको उसको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन जो लो एंड PC लो एंड यूज़र हैं, जो लो एंड लैपटॉप लिए हुए हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, और जो बाईपास करके हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है विंडोज 11 के अंदर। तो देखा जाए, अगर आपके पास पूरी रिक्वायरमेंट को मीट करते हो, आपके पास 8 GB से प्लस रैम है, SSD है, HDD है, और प्रोसेसर भी अच्छा, तो आप आराम से विंडोज 11 चला सकते हो। मैं भी चला ही रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादातर मुझे प्रॉब्लम देखने को भी नहीं मिलती। अगर आपके पास 4 GB वाली रैम वाला लैपटॉप या कंप्यूटर है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप विंडोज 11 में स्विच करिए, विंडोज 10 ही आपके लिए बेस्ट है। जब अपना PC या लैपटॉप अपग्रेड करा लीजिएगा तो आप ईजिली विंडोज 11 में स्विच कर लीजिएगा, तब आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइज, ये था कि हमें विंडोज 11 में स्विच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके फीचर कमियां जो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं विंडोज गेमिंग टेक से रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।